अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू आर यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 मई 2020। हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड दीज करंट अफेयर्स आर क्रूशल फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारे इस लेक्चर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड किया है, आप ईजिली वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड टेलीकॉम डे सेलिब्रेटेड? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 17 मई, ये 17 मई को मनाया जाता है। ऑलराइट, ये क्यों मनाया जाता है? ताकि ये जो आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन डे जो है, इसको इसीलिए मनाते हैं ताकि ये आपकी अवेयरनेस फैलाई जा सके, जो भी आपके इंटरनेट के का यूज़ है और जो भी आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ है वो सोसाइटीज़ और इकोनॉमीज़ में क्या चेंजेस ला रहा है और उससे फर्क क्या पड़ रहा है, तो उसी चीज की अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। ऑलराइट, और इस बार जो ये डे मनाया गया था, ये फर्स्टली कब मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका 17 मई को मनाया गया था। ये आपका 1969 पहली बार ये डे इस दिन मनाया गया था। ऑलराइट, 1969 में। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी आपका कनेक्ट 2030। आई सी टी है आपका, इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। ICT जो है आपका, ये है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। ऑलराइट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो इस बार की थीम थी कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इस बार की जो थी इसकी थीम थी। ऑलराइट, और जो हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है ये इसी की एनिवर्सरी को मनाया जाता है इस दिन। ये जो हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट जो था, ये हमारा 17 मई 1865 को बना था, तो इसी की एनिवर्सरी के लिए ये डे 17 मई 1969 से बनाना स्टार्ट हुआ था। ऑलराइट, और जो हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट का हेडक्वार्टर है वो है आपका जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में है जिनेवा। जिनेवा में किसका है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट ITU, इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और ये आपका जो इसके जो आपके हेड हैं वो हैं हॉलिन जाओ। ठीक है, ये इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन री इंडक्टेड इन टू द NADA डिसिप्लिन पैनल रिसेंटली? हाल ही में जिन्हें नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया। तो नाडा है क्या? यह है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो किसको शामिल किया गया? वो किया गया आपका अखिल कुमार को। ऑलराइट, अखिल कुमार को इसमें दोबारा शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ राजीव गांधी किसान न्याय योजना? तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये की है आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने की है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है आपका रायपुर। रायपुर यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो यहाँ पर गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उके यहाँ की के गवर्नर हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। वो है आपका, व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 18 मई, यानी 18 मई को मनाया जाता है। ये डे क्यों मनाया जाता है? ये इसीलिए मनाया जाता है कि जो म्यूज़ियम्स की इम्पोर्टेंस के लिए मनाया जाता है, यानी कि जो भी आपका म्यूज़ियम का रोल कहाँ पर है आपका, उसकी महत्वता कहाँ है। जैसे आपका कल्चरल एक्सचेंज एनरिचमेंट ऑफ कल्चर्स में हो गया, डेवलपमेंट में हो गया आपका, और कॉपरेशन में हो गया, और लोगों के बीच में जो पीस है, कल्चरल चीज़ों में ही म्यूज़ियम का ज़्यादा योगदान रहता है। ऑलराइट, तो इसी चीज़ के लिए ये डे मनाया जाता है। और जो इस बार की थीम थी वो थी म्यूज़ियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो एक बार आप सुन लीजिए, इस बार की थीम थी म्यूज़ियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इस बार की थीम थी। ऑलराइट, सो जो हमारे प्रेजिडेंट हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम के, वो हैं सुआई एक्सोए, ये यहाँ की प्रेजिडेंट हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ डेवलप्ड दी सुंदराम
सुंदराम वेंगटो एन ऑटोमेटिक डिवाइस टू एड द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जिन्होंने श्वसन प्रक्रिया की सहायता के लिए स्वचलित उपकरण सुंदरम वेंगटो जो है आपका उसको विकसित किया है। ये किया है आपका आईआईटी मद्रास ने। ऑलराइट, इसको विकसित किया है आपका आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसेंटली विक्टोरिया फॉल्स हैज़ बीन रीओपन्ड ऑन विच रिवर, हाल ही में जो विक्टोरिया फॉल है आपका उसको किस नदी पर खोला गया है? देखिए, उसे खोला गया है जेम्बेजी रिवर पर। और ये जेम्बेजी रिवर कहाँ की है? ये अफ्रीका की रिवर है। ऑलराइट, तो विक्टोरिया फॉल कहाँ का? अफ्रीकन फॉल है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज अनाउंस्ड अ 30% रिडक्शन इन देयर सैलरी फॉर कोविड-19, जिन्होंने कोविड-19 के लिए अपने वेतन में 30% की कमी की घोषणा की है। देखिए, ये घोषणा की है हमारे ऑनरेबल प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, ये इन्होंने घोषणा की है कि सैलरी में 30% का रिडक्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसेंटली जुबीर इकबाल बिकम्स मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक, तो हाल ही में जुबीर इकबाल किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं? ये बन गए हैं आपका जेएनके बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अर्लियर जो ये थे सीनियर वाइस प्रेजिडेंट थे ये आपके एचडीएफसी बैंक के, अब ये बन गए हैं जेएनके बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज़ एक्वायर्ड गिपी, जिसने गिपी हासिल कर ली है, तो वो किसने एक्वायर कर लिया? ये कर लिया आपके फेसबुक ने। ऑलराइट, और फेसबुक कब स्टैब्लिश हुआ था? ये फाउंड हुआ था आपका 2006 में, और इसके फाउंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपका मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेट विल होस्ट द 11th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल वीमेंस चैंपियनशिप, कौन सा राज्य 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कौन होस्ट करेगा इसको? इसको होस्ट करने वाला है आपका उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, उत्तर प्रदेश इसको होस्ट करने वाला है। और यूपी जो है हमारा, इसकी कैपिटल होती है आपका लखनऊ। यहाँ के सीएम और यहाँ के जो गवर्नर हैं ये आपने मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। सीएम एंड गवर्नर, ये दोनों चीज़ें आपने नीचे कॉमेंट बॉक्स में बतानी है, मैंने बहुत वीडियोज़ में बताया है। हु हैज़, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडिया बांग्लादेश ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, तो जिन्होंने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है, ये किया है ASSOCHAM, इसे बोलते हैं आप एसोचैम, ये इन्होंने किया है। तो ये है क्या? ये है आपका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑलराइट, इसके जो प्रेजिडेंट हैं वो हैं आपके निरंजन हीरानंदानी यहाँ के प्रेजिडेंट हैं। और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। और ये इस्टैब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1920 यानी 1920 में ये इस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका। रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के पीएम बने हैं? ये बने हैं आपके इसराइल के। ऑलराइट, इसराइल की कैपिटल क्या होती है? ये होती है जेरूसलेम, इसराइल की कैपिटल है। इसराइल में करेंसी चलती है आपका इसराइली शेकेल। ये इसराइल की करेंसी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसेंटली होसेन कजिमपुर OPEC गवर्नर ऑफ विच कंट्री पासेस अवे, तो रिसेंटली जो होसेन कजिमपुर है, OPEC है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसके जो गवर्नर हैं रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। तो वो किस कंट्री के थे? वो थे आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज़ ईरान, ईरान से कंट्री के थे। ठीक है, ईरान की कैपिटल क्या है? वो है आपका तेहरान। ऑलराइट, ईरान की कैपिटल है आपका तेहरान। चलिए आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होता है, वो ये था व्हेन इज़ इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेटेड। इसका करेक्ट आंसर था आपका 15th May। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर किया था, लेकिन आप सब लोग नहीं करते, तो प्लीज़ इस नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट किया कीजिए जो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, वो है हु हैज़ लॉन्च द गोल प्रोग्राम टू मेक ट्राइबल यूथ एफिशिएंट, तो किसने गोल प्रोग्राम लॉन्च किया है ट्राइबल यूथ को एफिशिएंट बनाने के लिए? जो भी करेक्ट आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट, चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हैव अ नाइस डे।